Hello everyone, I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this video we will talk about the famous American poetess Amelie Elizabeth Dickinson. Dickinson was a poet who was the daughter of a prominent liar whose life was outwardly eventless. For she lived quietly at home. Dickinson, a famous poetess, the... जो एक उस टाइम के प्रोमिनेंट लायर की बेटी थी जो आउटवर्डली इवेंट से बिल्कुल दूर रहती थी फॉर शी लिव क्वाइटली एट होम वो शांतिपूर्ण तरीके से घर पर रहती थी हाव एवर शी लैड ए सिक्लूडेड लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ हर लाइफ हालांकि अपने अंतिम पच्चीस वर्षों में उन्होंने एकांतपूर्ण लाइफ को जीना प्रीफर किया था द फर्स्ट सच मैन वॉज बनजामिन एफ न्यूटन अ लो स्टूडेंट इन हर फादर्स ऑफिस हुक्रेज हर टू टेक पोइट्री एज़ हर वोकेशन बनजामिन एफ न्यूटन एक लो स्टूडेंट था जो उनके फादर के ऑफिस में काम करता था वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने एमली को इनकेज किया पोइटरी को अपना वोकेशन बनाने के लिए आफ्टर death, she फॉर गाइडेंस टू चार्ल्स Charles ऑफ फ़िलाडेल्फिया Philadelphia, शी she met in 1854. जब एफ न्यूटन की डेथ हो गई तो उन्होंने चार्ल्स वर्ड्सवर्थ को अपना गाइडेंस के लिए उनसे अपील की हुम शी मैटिन इन 1854, जिनसे वो कब मिली थी 1854 में शी कॉल्ड हिम हर डियरेस्ट अर्थली फ्रेंड वो उनको अपना डियरेस्ट अर्थली फ्रेंड कहकर बुलाती थी बिफोर हर डेथ शी रोट मोर देन लिरिक्स बट शी नेवर थायर टू गेट पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ उन्होंने अपने जीवन में लगभग वन थाउजेंड लिरिक्स लिखी लेकिन उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की कि वह उन लिरिक्स को अपने जीते जी पब्लिश कर, करा दे ड्यूरिंग हर लाइफ ओनली सिक्स ऑफ हर फॉर्म्स वर पब्लिश्ड उनकी लाइफ में उनके जीते जी लगभग सिक्स पोम्स ही पब्लिश हो पाए डिकिंसनस पोएम्स आर अबाउट लाइफ एंड डेथ मिस्ट्री ऑफ डेथ ह्यूमन लाइफ एंड डेस्टनी डिकेंसन की जो पोम्स थी या पोएम्स थी वो लाइफ एंड डेथ के बारे में थी मिस्ट्री ऑफ डेथ के बारे में थी और ह्यूमन लाइफ और उनकी डेस्टनी के बारे में थी तो यह हमने जाना बहुत ब्रीफ में एमले डिकिनसन की लाइफ के बारे में अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ एम्ले डिनसन आई टेस्ट लिकर नेवर ब्रूड दिस इज द इम्पोर्टेंट लिरिकल वर्क ऑफ एमले डिकिनसन लेटर्स ऑफ एमले डिकिंसन नैरो फेलो इन द ग्रास एनवेलप पॉम्प इजेंशियल डिकिंसन

एमरे डिकीनसन के लाइफ के इम्पॉर्टेंट रोल को ये उजागर करती हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप यू हैव इंजॉयड द वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैव अ नाइस डे